धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता जयंती महोत्सव का शनिवार को समापन हुआ और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य मेहमान पहुंचे और उनके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई नेता, मंत्री और सांसद मौजूद रहे। आज सारा विश्व आतंकवाद, उग्रवाद, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष के जाल के मकड़ जाल में जो फंसा हुआ है, ये हम इससे भी यदि सारी दुनिया को निकालना चाहते हैं तो गीता का संदेश इस मकड़ जाल से सारे विश्व को बाहर निकाल सकता है। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गीता जयंती महोत्सव के समापन समारोह के दौरान धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कही। इस मौके पर उनके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत कई कैबिनेट मंत्री और दूसरे नेता मौजूद रहे और सभी ने दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन के लिए हरियाणा सरकार की तारीफ की। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि शायद इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम कम से कम भारत में तो कहीं भी मुझे देखने को न सुनने को आज तक मिला है और यह अद्भुत कार्य कर दिखाया है तो हरियाणा सरकार ने किया है। गीता महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस महोत्सव का आयोजन गीता का संदेश विश्व भर को देने के लिए किया गया है। देखिए, गीता जो है वो हमारे हरियाणा की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का एक सार है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और हम हरियाणा के लोग अगर किसी चीज से आज देश में दुनिया में जाने जाते हैं तो वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से और गीता के नाम से जाने जाते हैं। तो गीता का ये संदेश न केवल हरियाणा बल्कि देश और दुनिया के लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया। गीता महोत्सव के समापन समारोह के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि गीता का अनुसरण करने से मन में कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। भगवत गीता पर अगर हम अनुसरण करें तो मेरा ख्याल से देश में ना तो कोई गरीब रहे और ना कोई ही दुर्भावना रहे। गीता महोत्सव समापन समारोह में अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी ने अपनी खास पेशकश दी जिसने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।